অলরেডি কিন্তু তারা ইন্টারনেট সংযোগটা দিয়ে দিয়েছে আমাদের পদ্মা সেতুর মতো। ডিজেলটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ, সম্পূর্ণভাবে সেখানকার লোকাল জনগণ করতে চায় না, কারণ তার সুন্দরবনে একটা মেগা প্রজেক্ট করার কথা চিন্তা করেছিল গভর্নমেন্ট। স্বাগতম সবাইকে, আজকে আমরা আবারও হাজির হলাম আপনাদের মাঝে বিটশো রিঅ্যাকশনে। আর আজকে আমরা যে ভিডিওটি নিয়ে কথা বলবো সেই ভিডিওটি হচ্ছে হোয়াই আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর ইসল্যান্ড আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট অ্যান্ড অল মেগা প্রজেক্টস। আর আজকে আমি ডিসকাস করবো এটা দীপুর সঙ্গে, এই ভিডিওটি দেখবো। তো নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন এটা আন্দামান সম্পর্কে হয়তো কিছু বলবে এবং কিছু মেজর প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছু বলবে। আর ভিডিওটি আমরা নিয়েছি একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে, চ্যানেলটির নাম হচ্ছে পাওয়ার ট্রেন। আপনারা চাইলে সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটিও দেখে নিতে পারেন। তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি। নিকোবর আইল্যান্ডস ইন্ডিয়া কে লিয়ে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসেটস হ্যায়, লেকিন সালো তক ইগনোর কিয়ে জানে কি ওয়াজহ সে মেইনল্যান্ড ইন্ডিয়া সে ইয়ে কাটা রাহা। লেকিন দুনিয়া ভর মে বড রহে ট্রেড, ডিপ্লোমেসি অর চাইনা কে থ্রেট কে কারণ আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডস কো ট্রান্সফর্ম করনা আজ কি ডেট মে বহুত জ্যাদা জরুরি হো গিয়া হ্যায়। অর আগর ইয়ে নহীন কিয়া জাতা তো আগে জাকর ইন্ডিয়া কে মিয়ার এক্সিস্টেন্স কে লিয়ে ভি খতরা বন সকতা হ্যায়। इसी को देखते हुए आने वाले फ्यूचर में अंडमान एंड निकोबर आइलैंड्स जैसे आज हम देखते हैं वैसे बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे, और इनके साथ में होगा क्या आज इस वीडियो में यही चीज हम जानेंगे। इस वीडियो में हम तीन चीजें समझेंगे। पहली बात ये कि अंडमान आइलैंड स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है, इन्हें डेवलप करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा। इसके अलावा क्यों कुछ दूसरे देश भी अंडमान निकोबर आइलैंड्स को डेवलप कराना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, इस बात के बारे में भी हम समझेंगे। और लास्टली कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स वाली लिस्ट है ये काफी लंबी और काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। पहली बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की। इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के बीच में अगर हम वाइड ओपन सी के अंदर बड़े आइलैंड्स की बात करें तो अंडमान और निकोबर आइलैंड्स जितने बड़े आइलैंड्स हमें एक बहुत बड़े पोर्शन में देखने के लिए नहीं मिलते, स्पेसिफिकली अगर हम एक बड़े रेडियस के साथ में काउंट करें तो। और इसके वजह से अपने आप में अंडमान निकोबर आइलैंड्स काफी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि इस एरिया में ट्रेड किस तरीके से चलता है। चाइना जब नॉर्थ और साउथ अमेरिका को चीजें एक्सपोर्ट करता है उस टाइम पे तो पैसिफिक ओशन का रोड इनके पास में मौजूद है, और वहां पर जो नेशंस मौजूद है उनके साथ में अपनी प्रॉब्लम चाइना ने खड़ी कर रखी है। लेकिन जब मिडिल ईस्ट यूरोप के देशों के अंदर चाइना को कुछ एक्सपोर्ट करना होता है तो उनके शिपिंग रूट्स जो है वो ज्यादातर स्ट्रीट ऑफ मलाका से होते हुए हमारे इन आइलैंड्स के काफी पास में से गुजरते हैं। और इंडियन ओशन के अंदर अगर ये आइलैंड स्ट्रेटेजिकली डेवलप किए जाए तो इनका कंट्रोल भी हमारे पास में आ सकता है, लेकिन अगर इन्हें नहीं डेवलप किया जाए तो आगे जाकर ये हमारे लिए दिक्कत की बातें बन सकती है अगर चाइना यहाँ पर अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए शुरू करता है। इनफैक्ट कुछ शिपिंग रूट्स जो है वो इन आइलैंड्स के बहुत ही ज्यादा पास में से जाते हैं, और इन वाले रूट्स पर इंडिया को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी सिक्योरिटी की सबसे तो समझ गया, लेकिन इंडिया का कमर्शियल इसमें से कैसा फायदा है। दोस्तों दुबई जो है अपने सक्सेस के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये रखता है कि एशिया और यूरोप की एयर कनेक्टिविटी के बीच में वो सेंट्रली लोकेटेड है जियोग्राफिकली। इसके वजह से कई सारे कार्गो प्लेन्स और पैसेंजर प्लेन्स दुबई में से इंटरचेंज होते हैं, यानी यहाँ पर उतरते हैं प्लेन चेंज करते हैं कार्गो यहाँ पर सॉर्ट किया जाता है, और फिर बाद में प्लेन्स वापस अलग अलग डेस्टिनेशन से पहुँचते हैं जो अलग अलग डेस्टिनेशन से आए हुए होते हैं। सिमिलरली हमारे जो अंडमान निकोबर आइलैंड्स हैं उनके पास में ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन मौजूद है समुद्र के बीच में। एज ऑफ नाउ जब भी सामान निकलता है किसी भी मिडिल ईस्टर्न या यूरोपियन देश से ज़्यादातर उन्हें सिंगापुर, मलेशिया यहाँ पर मौजूद जो भी पोर्ट्स हैं वहाँ पर ट्रांसशिपमेंट और सॉर्टिंग हब्स के जरिए प्रोसेस किया जाता है, जो कि वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आइडियल लोकेशन नहीं है जियोग्राफिकली, लेकिन उसके पहले कहीं पर प्रॉपर सर्विसेज मौजूद नहीं है इस वजह से लॉजिस्टिक्स कंपनीज इन देशों के पास में भागती है। लेकिन अंडमान निकोबर आइलैंड जो है हर साल मोर देन 4000 करोड़ का लॉस झेलता है क्योंकि इनके पास में कोई भी ट्रांसशिपमेंट कराने के लिए पोर्ट या फिर फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। अगर उन्हें डेवलप किया जाता है तो यहाँ पर ट्रेड बढ़ेगा, ज्यादा शिपिंग वेसल्स यहाँ पर आना शुरू होगी, और ओवरऑल इस आइलैंड की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इस लॉस को भी इंडिया को कवर करना है ताकि अगर धीरे धीरे लॉजिस्टिक्स यहाँ पर बढ़े इस वजह से बाकी चीजें बढ़े, तो आज जो ऐसे आइलैंड क्लस्टर है जिनके बारे में इंडिया के अलावा बाकी कोई देश वाले ध्यान देते नहीं है, काइंड ऑफ इग्नोर यह जगह है, ये अगर ग्लोबल इंपॉर्टेंस में आती है कई सारे बिजनेसेस के लिए ये जरूरी बन जाती है।
तो बाद में इनके साथ में अगर कुछ भी होगा तो वो एक ग्लोबल इशू रहेगा। अब बात करते हैं डिफेंस के हिसाब से क्यों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स काफी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ इंडिया लेकिन जापान, मले आर्किपेलागो के सारे देश और बेसिकली सारे देश जिन्हें चाइना से खतरा है और सी उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के डेवलप होने से, एक इम्पोर्टेंट हब बनने से ज्यादातर फायदे में रहेंगे। दोस्तों जैसे मैंने पिछले पॉइंट में कहा, अगर इन आइलैंड्स को ग्लोबल इम्पोर्टेंस मिलता है, बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है, कई सारे लोग यहाँ पे अपना पैसा अगर कमाते हैं और इसके स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से डिफेंस के लिए भी ये जरूरी बनता है, तो ये सारी चीजों की वजह से चाइना जो थ्रेट्स क्रिएट करता है वो एक तरीके से कम हो जाएगा और इसलिए चाइना ये करना नहीं चाहता। लेकिन बाकी देश ऑब्वियसली ये चाहते हैं कि इंडिया इन आइलैंड्स को स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बनाए ताकि स्टेट ऑफ मलाका के आगे बिल्कुल भी कंट्रोल जो है वो चाइना का नहीं रहे और इंडिया जैसा फ्रेंडली देश इन चीजों पर ध्यान रखे। इसके वजह से जापान ने $2 बिलियन की फंडिंग और ग्रांट्स देने के लिए प्रॉमिस किए हैं, जिसके जरिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कुछ बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे। इसी तरीके से कुछ दूसरे देशों ने हमें सपोर्ट एक्सटेंड किया है लेकिन अब तक पैसे वगैरह नहीं दिए हैं, वो ज़्यादातर इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन इसकी वजह से आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिफेंस और सिक्योरिटी के हिसाब से भी। हमारी नेवी एयरफोर्स वैसे भी यहाँ पर बेस मेंटेन करते हैं लेकिन फ्यूचर में इन्हें और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए भी इंडिया ने प्लान्स बनाए हैं। अब बात करते हैं उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिसकी वजह से इन आइलैंड्स का रूप पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया जाता। पहला है 10,000 करोड़ रुपीज़ का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए एक ऐसे लोकेशन पर मौजूद है जहाँ पर ट्रांसशिपमेंट हब बनाना बहुत ज़्यादा फायदे का होता है। बेसिकली यहाँ पर कैम्बे में एक डीप सी पोर्ट बनाया जाने वाला है ताकि बड़े स्केल के जो वेसल्स है, जो शिप्स है, वो भी यहाँ पर डॉक हो पाए। सॉर्टिंग फैसिलिटीज अलग अलग लॉजिस्टिक्स कंपनी यहाँ पर बनाए, इसी सबसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी और ये 10,000 करोड़ रुपए की जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद में ईयरली अगले आने वाले 5 साल में हर साल 4,000 to 5,000 करोड़ रुपीज या के आइलैंड्स कमा पाएंगे ऐसी उम्मीद जताई गई है। साथ साथ कोलंबो और सिंगापुर पोर्ट में से भी थोड़ा ट्रैफिक ये कम करा सकती है, ऐसा पोटेंशियल यहाँ पर लिखा गया है। इस ट्रांसशिपमेंट हब को बनाने के लिए वैसे परमिशन ऑलरेडी मिल गई है, जल्द ही इसका काम शुरू हो जाएगा और इनफैक्ट कुछ छोटे लेवल पर इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है। अगला दोस्तों जो मेगा प्रोजेक्ट है वो अब तक का सबसे बड़ा अनाउंस्ड प्रोजेक्ट है इस पूरे के पूरे आइलैंड क्लस्टर के लिए, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन पेपर। तो हमारी जो नीति आयोग है, इन्होंने अराउंड 3 महीने पहले ये पेपर रिलीज किया है जहाँ पर उन्होंने पूरे के पूरे प्लान्स मेंशन किए कि किस तरीके से जो लिटिल अंडमान आइलैंड है उसे पूरी तरीके से एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा ताकि ये एक मेजर ग्लोबल सिटी बन पाए। दोस्तों जिस तरीके से सिंगापुर है, हांगकांग है, सिटीज़ होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं वो ग्लोबली, इसी तरीके से स्पेशल ट्रेड लॉस के साथ में ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया जाएगा ऐसा बताया गया है। इसके अंदर 3 जोन्स होंगे। पहला जोन होगा 102 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ईस्ट कोस्ट जोन, जहाँ पर मेडी सिटी बनाई जाएगी, एक एरो सिटी बनाई जाएगी मीडिया हब के साथ में और साथ साथ जो मेजर टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी वो भी यहाँ पर होगी, फिर चाहे वो फेरीज हो, जेटीज़ हो, बीच फ्रंट्स हो, होटल्स, रिसॉर्ट्स, ये सारी की सारी चीज़ें 102 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाई जाएगी ईस्टर्न पार्ट के अंदर। इसके बाद में जोन 2 जो होगा वो 85 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा रेसिडेंशियल और स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, यहाँ पर लोगों के लिए रहने के लिए सुविधा होगी मॉडर्न सिटीज में जिस तरीके से होती है वैसे, और साथ साथ यहाँ पर एक फ्री ट्रेड जोन अलग से बनाया जाएगा जहाँ के टैक्सेशन लॉज, ट्रेड लॉज, बिजनेस लॉज पूरी तरीके से बाकी इंडिया से अलग होंगे, जिसके कारण कई सारी कंपनीज यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए आसानी होगी, जिसमें ज्यादातर फाइनेंस रिलेटेड बिजनेस ही इंक्लूडेड होंगे। आखिरी जो जोन होगा वो होगा 52 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा नेचर एंड थेरेप्यूटिक जोन, ये भी काइंड ऑफ टूरिज्म का एक आम बंदा है लेकिन यहाँ पे एज अ स्पेशलिटी टूरिज्म इसे डेवलप किया जाएगा और इसके ऊपर अब तक ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं गई है। इसके अलावा इन सारे के सारे क्लस्टर्स के बीच में अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड नेटवर्क्स, वाटर सीवेज, पावर नेटवर्क्स, इन सारी चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। ये जो पेपर है इसके पब्लिश करने के बाद में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसी चीज़ें बनाने पर काम अभी शुरू होने वाला है और अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी फेज में है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स है इन आइलैंड्स के लिए और इनके बाद और जब भी ये कंप्लीट होता है जिस भी तरीके से, उसके बाद में एक रिमोट टूरिस्ट डेस्टिनेशन से एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बन जाएंगे ऐसी उम्मीद जताई गई है। अगले जो प्रोजेक्ट्स है वो कनेक्टिविटी के हिसाब से बनाया गया है। पोर्ट ब्लेयर के अंदर मौजूद एयरपोर्ट यहाँ का सबसे प्राइमरी एयरपोर्ट है लेकिन कई सालों से ये अपनी कैपेसिटी से ऊपर फंक्शन कर रहा था, इसी को देखते हुए 723 करोड़ रुपीज स्पेंड करते हुए एक शेल शेप का नया एयरपोर्ट टर्मिनल यहाँ पर बनाया जा रहा था, जहाँ पर 28 चेकिंग डेस्क,
तीन बोर्डिंग ब्रिजेस, पांच बैगेज बेल्ट और 50 लाख पैसेंजर्स बनाने की कैपेसिटी के हिसाब से एयरपोर्ट टर्मिनल को बनाया जा रहा था और अभी मोर देन 70% काम इस एयरपोर्ट का कंप्लीट हो चुका है और जल्दी पैसेंजर्स के लिए इसे ओपन कर दिया जाएगा। अगले मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो 2000 करोड़ रुपीस का एक ड्राई डॉक बनाया जाने वाला है ग्रेट अंडमान आइलैंड पर, जो अगले 15 साल में शिप रिपेयर, शिप बिल्डिंग इन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगा। यहाँ पर दुनिया भर की कंपनीज अपने शिप्स ला पाएंगी, यहाँ पे डॉक कर पाएंगी और यहाँ पे इंडिया उन्हें रिपेयर, मॉडिफाई या दूसरी जो भी सर्विसेस अवेलेबल होंगी उन्हें ऑफर करते हुए काम करेगा। अगला है मेगा इंटरनेट एंड कनेक्टिविटी प्लान। पिछले साल ही चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में एक अंडरसी हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाई गई थी, जिसकी वजह से 800 Gbps स्पीड से इंटरनेट इस आइलैंड में पहली बार पहुंचना शुरू हुआ था। इसके पहले इंटरनेट एक इंटरनेट थकले लेकिन इसके पहुंचने के बाद में यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है। वैसे सिर्फ मेन सिटीज में अब तक इंटरनेट पहुंचा है और अभी प्लान यह है कि सारे के सारे आइलैंड्स को मिनिमम 200 Gbps स्पीड से कनेक्ट किया जा सके और बाद में ऑब्वियसली हाउस होल्ड लेवल तक इसे पहुंचा जाए। इसकी वजह से फायदा ये होगा कि फ्यूचर में जब भी कोई बिजनेस, कंपनी, कुछ भी अगर यहाँ पर एस्टेब्लिश होता है तो इंटरनेट जो आज के डेट में एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमेशा बनी रहे। इसके अलावा दिगलीपुर में एक नया एयरपोर्ट बनाया गया है जो पिछले साल ओपन हो गया। ये एज ऑफ नाउ सिर्फ एयरफोर्स के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक पैसेंजर एयरपोर्ट की तरह भी ये फंक्शन कर सकता है। और एरोप्लेन नेटवर्क्स की बात करें तो यहाँ पर कई सारे सी प्लेन के द्वारा कनेक्टेड रूट्स ऑलरेडी फंक्शनल हो गए हैं और फ्यूचर में इन्हें और बढ़ाया जाने वाला है। यहाँ पर जो सी प्लेन नेटवर्क्स है वो स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, हट बे, लॉन्ग आइलैंड इनके बीच में चलाए जाएंगे और ये सारे के सारे उड़ान स्कीम के अंतर्गत है, जिसकी वजह से इनके किराए कम होंगे। एज ऑफ नाउ फेरीज के जरिए, बोट्स के जरिए कई सारे बड़े आइलैंड्स के बीच में कनेक्ट करना पड़ता है और रोड, फेरी, इन जैसे ट्रांसपोर्ट कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इन सी प्लेन्स की वजह से ज़्यादा तेज़ी से आज लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसके बाद में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लान्स जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा, स्पेशली यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए उनकी लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा, वो है जिस तरीके से इन आइलैंड्स को पावर पहुंचाई जाती है। दोस्तों 5 साल पहले तक अंडमान निकोबार आइलैंड में 93% जो बिजली प्रोड्यूस किया जाती थी वो डीजल जनरेटर्स के जरिए होती थी। यानी अगर किसी को बिजली चाहिए तो गवर्नमेंट के द्वारा वैसे कोई खास ऑप्शन था नहीं, आपको अपने अपने डीजल जनरेटर्स खरीदने पड़ते थे और उसके ऊपर भारी खर्च करना पड़ता था, जिसके कारण बहुत बड़े हिस्से आइलैंड के ऐसे थे जिन्हें बिजली ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था और सिर्फ बड़े एस्टेब्लिश बिजनेसेस और ऑफिसेस ही उन्हें यूज़ कर पाते थे। लेकिन इन चीज़ को चेंज करना शुरू हो गया था पिछले 3 साल से और आज अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ज़्यादातर बिजली जो है वो सोलर पावर प्रोडक्शन के जरिए चलती है और यहाँ पर मेजरली बड़े प्लांट्स नहीं बनाए गए हैं, इंडिपेंडेंट ग्रिड लेवल पर सोलर प्लांट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं रूफ बाय रूफ बेसिस पर और यहाँ पर उस हिसाब से पावर प्रोड्यूस की जा रही है इन्वर्टर बैटरीज का भी इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा कुछ फ्लोटिंग पावर प्लांट्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि पब्लिक यूटिलाइजेशन और बाकी चीज़ों के लिए भी बिजली बन सके और ये कमिटमेंट दी गई है कि अगले 2 साल में सारी की सारी बिजली जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में बनेगी वो रिन्यूएबल तकनीक से ही प्रोड्यूस होगी और सारे के सारे डीजल जनरेटर्स को बंद कर दिया जाएगा। इसके वजह से एक बहुत बड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट आएगा यहाँ के लोगों के लिए। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है हम्फ्री स्ट्रेट ब्रिज। दोस्तों वैसे जो ट्रंक रोड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का उसे रिपेयर किया जाए है, वहाँ पर भी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज स्पेंड किए जा रहे हैं ताकि एक प्रॉपर हाईवे बन पाए कनेक्टिविटी को लेकर, लेकिन कई सारे आइलैंड्स आज ऐसे हैं जिनके बीच में कुछ मीटर्स का ही गैप है जहाँ से क्रीक्स या समंदर बहता है, लेकिन क्योंकि बीच में कोई ब्रिज वगैरह मौजूद नहीं है तो दिन में सिर्फ कुछ ही फेरीज के जरिए यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बड़े व्हीकल्स पर रिस्ट्रिक्शन है और कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। इसी को देखते हुए हम्फ्री स्ट्रेट जो वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल्स हुआ करता था दो पॉपुलेटेड आइलैंड्स के बीच में, उसे ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लिया गया है, इनफैक्ट गर्डर्स वगैरह भी लगाकर हो गए हैं और अभी ऐसे ही कई सारे मिनी ब्रिजेस के जरिए इन आइलैंड्स को कनेक्ट किया जाने वाला है ताकि एक कंटिग्यूस रोड बन पाए पूरे के पूरे आइलैंड क्लस्टर्स के बीच में। आखिरी जो प्रोजेक्ट है वो है ब्रॉड गेज रेल लाइन जो बनेगी पोर्ट ब्लेयर और दिगलीपुर के बीच में। ये दो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं इन आइलैंड्स के लिए और 240 किलोमीटर लंबी ये लाइन बहुत अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। वैसे दोस्तों ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अब तक ऑन पेपर है और इसके ऊपर ज़्यादा अब तक काम नहीं किया गया, लेकिन मे बी फ्यूचर में इस रेलवे लाइन को भी बनाया जा सकता है, जिसके कारण ना सिर्फ टूरिज्म रिलेटेड कनेक्टिविटी इन दोनों आइलैंड्स के बीच में बढ़ेगी लेकिन जो बीच में सारे एरियाज है उनके डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स का काम अभी जारी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, तो उसके अंदर आपको और प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए मिल सकता है। और जो मैंने मेंशन किए इसके अलावा भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो छोटे लेवल के हैं
लेकिन बड़े इम्पैक्ट वो क्रिएट कर सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, जिनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट का काम करते समय कई जगहों पर रेजिस्टेंस हमारी गवर्नमेंट को देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से हो, बाहरी देशों के जरिए प्रेशर आना हो, या फिर हमारे देश के अंदर से ही इन आइलैंड्स के, चाहे वो नेचुरल लिविंग मेथड्स हो, लाइफस्टाइल हो या फिर इंटीग्रिटी, इन सारी चीजों को ये प्रोजेक्ट्स डैमेज करेंगे ऐसा कहते हुए ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पर काम अपने अपने स्पीड से जारी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो এই ভিডিও দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অনেক লেন্দি একটা ভিডিও না, তারপরে অনেক ইনফরমেশন ছিল, নতুন নতুন প্রজেক্ট, তাহলে অনেক নতুন কিছু আমরা জানতে পারলাম আজকে এই ভিডিওটার মাধ্যমে। তো এখানে যেটা বেশিরভাগ কথা বলা হয়েছে যে নিকোবার এন্ড আন্দামান আইল্যান্ড সম্পর্কেই বলেছে, কারণ এই জায়গাটাকে তারা তাদের গভর্নমেন্টের ডেভেলপমেন্ট করতে চাচ্ছে, বিশেষ করে ওখানে যাতায়াত ব্যবস্থাটা যদি সঠিকভাবে করতে পারে তাহলে একটা বিদ্যুতের ব্যবস্থা, ইন্টারনেটের ব্যবস্থা এগুলো সঠিকভাবে করতে পারলে এখানকার উন্নয়নটা আরো গতিশীল হবে। হ্যাঁ, সেটাই বলতে চাচ্ছে, এখানে উন্নয়নটা গতিশীল হবে। প্লাস হচ্ছে অলরেডি কিন্তু তারা ইন্টারনেট সংযোগটা দিয়ে দিয়েছে, এখন রাস্তা বা অন্যান্য যে সব যেটা ট্রেন লাইনের কথা বলো সেটা এখনো কাগজ কলমে আছে, বাট এখনো হয়নি। বাট অন্য যে ব্রিজগুলো একটা দ্বীপের সঙ্গে আরেকটা দ্বীপের কানেকশন করার জন্য, সেটা কিন্তু তারা অলরেডি করে ফেলেছে অর্ধেক কাজই বলবো, আমাদের পদ্মা সেতুর মতো। সবচেয়ে যেটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে ওইখানে যে ডিজেলের ব্যবহারটা বন্ধ করে সোলার প্যানেল ইউজ করে যে ইলেকট্রিসিটি উৎপাদনের চিন্তা ভাবনা করছে, যেটা প্রকৃতির জন্য অলরেডি কিন্তু তারা কিছু কাজ শুরু করেছে, আর এবং দু বছরের মধ্যে কিন্তু তারা এটাকে রিকভার করে অলরেডি চাচ্ছে যে ডিজেলটা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে। হ্যাঁ, এটা একটা বড় একটা দিক। আর আমার কাছে মনে হয় যখন বিদ্যুৎ চলে আসবে তখন কিন্তু ট্যুরিস্টের ব্যাপারগুলো আসবে, এবং রাস্তাঘাট ঠিক হলে ট্যুরিস্টের যে আনাগোনাটা হবে সেটা কিন্তু আসলে অনেক বড় একটা ইম্প্যাক্ট পড়বে ওখানকার লোকাল ইকোনমিকের উপর। আর আরেকটা জিনিস তো তারা চাচ্ছে আসলে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার মতো যাতে তাদের এই আন্দামান নিকোবার আইল্যান্ডটা ইউজ হয়, এবং সেখানেই যাতে জাহাজগুলো থামে এবং সেখানে তাদের কার্যক্রম করে, তো সেক্ষেত্রে তাদেরও একটা বেনিফিট হবে ওখানে। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একটা ভালো দিক। তবে আমার কাছে মনে হয় যে আরেকটা জিনিস যেটা করতে চাচ্ছে যে তারা জাহাজের রিপেয়ার বা জাহাজের অন্য অন্য ব্যাপারটা করতে চাচ্ছে, এটা প্রকৃতির জন্য আসলে কতটা ভালো হবে ওখানকার জন্য আমি জানি না, কারণ এই ধরনের কিছু প্রজেক্ট আছে যা আসলে সেখানকার লোকাল জনগণ করতে চায় না, কারণ তাদের প্রকৃতিতে অনেক ধরনের প্রভাব পড়ে। আর সাধারণ জনগণ আসলে ওখানে দ্বীপগুলোতে যেভাবে বাঁচতে চায় বা যেভাবে তারা অভ্যস্ত ওটার থেকে তারা আসলে সহজে কিন্তু সরে আসতে চায় না, একটা আধুনিকতার মধ্যে তারা সহজে ঢুকতে চায় না। তো সেক্ষেত্রে হয়তো গভর্নমেন্টও কিছু সমস্যা ফেস করছে, যেটা এখানে ভিডিওর মধ্যে বলা হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা স্বাভাবিক, সব জায়গাতেই ফেস করবে, কারণ আমাদের যেমন সুন্দরবনে একটা মেগা প্রজেক্ট করার কথা চিন্তা করেছিল গভর্নমেন্ট, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দেশেও অনেক ধরনের মানববন্ধন হয়েছে বা অনেক ধরনের আন্দোলন হয়েছে, তো ওখানেও এটাই হবে স্বাভাবিক। তবে ওভারঅল যদি উন্নয়ন হয় ওখানকার জনগণ কিন্তু সুবিধা ভোগ করবে, অবশ্যই সুবিধা ভোগ করবে, এবং আমরা আশা করব যাতে প্রকৃতির কোনো ক্ষতি না করে, হার্ম না করে, যাতে প্রজেক্টগুলো বাস্তবায়ন হতে পারে এবং উন্নয়নগুলো হতে পারে, সেটা আমরা আশা করতে পারি। তো যাই হোক, আজকে আশা করি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান, আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি, আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন।